स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी मेंस चैंपियनशिप में। ये चैंपियनशिप को होस्ट कर रही है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल और इसका वेन्यू है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल। दोनों ही टीमें जो इस मैच को खेलने जा रही हैं वो मैदान में आती हुई वाइट किट में जो टीम है वो है बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी संभाजीनगर की टीम और जो ब्लू कलर की किट में टीम है वो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की टीम। कुछ ही देर में इस मैच को आप लाइव देख पाएंगे FGSN के माध्यम से। इस मैच का टॉस जीता था बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने और उन्होंने बॉल को पोजीशन में लेके इस मैच को स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। अभी आपके स्क्रीन में BIMU की टीम दिख रही है आपको। दूसरी तरफ अब आप देख सकते हैं ब्लू जर्सी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की टीम। दोनों ही टीम्स अपनी पोजीशन पे सेट और इसी के साथ ये मैच चालू होता हुआ BIMU की टीम काफी तेजी से बॉल को आगे लेके बढ़ती हुई। अच्छा इंटरसेप्शन यहाँ पे रेफरी की एक विसिल बॉल पोजीशन जाएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पास। सफेद किट में यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर की टीम और नीली किट के अंदर खेल रही है जबलपुर वाली टीम। हमें उम्मीद है कि काफी टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। एक अच्छा स्कूप पास यहाँ पे इंटरसेप्शन बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहां पे BIMU के खिलाड़ी। सत्यम ने एक अच्छा पास निकालने का प्रयास किया यहां पे अपनी टीम के लिए लेकिन रेफरी की विसिल क्योंकि बॉल मैदान से काफी ऊपर लिफ्ट हो गई थी जिसकी वजह से डेंजरस प्ले बन गया था। अच्छा अटैक सेट करते हुए यहां पे BIMU के खिलाड़ी उससे बेहतर इंटरसेप्शन विसिल के साथ एक फ्री हिट मिली है इसको एक स्कूप पास दिया है। एक और डेंजरस प्ले यहां पे जिसकी वजह से पोजीशन वापस जाएगा यहां पे बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पास। अच्छा डिफेंस अटैक को सेट करते हुए यहां पे RDV के खिलाड़ी जर्सी नंबर 11 में अभय के पास बॉल। अच्छा पास निकाला उन्होंने सत्यम को स्कूप पास यहां पे। बॉल मैदान से बाहर जाती हुई एक लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। निशाद ने अपनी टीम के लिए लिया लॉन्ग कॉर्नर लेकिन ये शूटिंग सर्किल के बाहर से बॉल को स्ट्राइक किया था जिसकी वजह से इस गोल को नहीं माना जाएगा। एक अच्छा स्कूप पास यहाँ पे लेकिन रेफरी की विसिल पोजीशन वापस BIMU के पास फ्री हिट के लिए।
जर्सी नंबर 8 शाहिद बॉल को लेकर, माफ कीजिएगा, मोहित बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए पोजीशन वापस से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पास। एक अच्छा ग्राउंडेड पास निकाला यहाँ पे, काफी अच्छा मौका बन सकता है, लेकिन बॉल को कलेक्ट करने में असफल रहे यहाँ पे खिलाड़ी और बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। 16 यार्ड की हिट मिलेगी यहाँ पे पीएमयू के खिलाड़ी को। काफी अच्छा इंटरसेप्शन यहाँ पे, बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए यहाँ पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के खिलाड़ी, लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया यहाँ पे। काफी अच्छा प्रयास यहाँ पे दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की तरफ से। रेफरी की विसिल, पोजीशन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पास। बॉल को आगे बढ़ाते हुए सत्यम अपनी टीम के लिए। ग्राउंडेड पास आगे निकाला है, क्लीयरेंस बॉल, लेकिन बॉल मैदान से बाहर जाती हुई, पोजीशन वापस जाएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पास। यहाँ पे विसिल, क्योंकि बॉल पैर से टच हुई थी ऑफेंसिव खिलाड़ी के, बॉल वापस मिलती हुई आरडीवी की टीम को। अच्छा इंटरसेप्शन था, लेकिन पोजीशन रिगेन किया। रेफरी की एक और विसिल, बॉल लिफ्ट हुई थी ग्राउंड से, बॉल को तेजी से आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ी। बॉल मैदान से बाहर जाती हुई, एक लॉन्ग कॉर्नर मिला है बीएमयू की टीम को। अच्छा पास स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर, बॉल अच्छा मौका बन सकता है, लेकिन काफी अच्छी गोल कीपिंग, बहुत ही शानदार गोल कीपिंग यहां पर हमें देखने को मिली रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के गोलकीपर की तरफ से। अच्छा प्रयास यहां पे, रेफरी की एक विसिल, फ्री हिट के लिए बॉल बीएमयू के पास। जर्सी नंबर 4 में नवीन अपनी टीम के लिए फ्री हिट लेते हुए। अच्छा डिफेंस, बहुत ही शानदार पास निकाला यहां पे, अच्छा मौका बन सकता है जबलपुर के खिलाड़ी के लिए। एक अच्छी किक, लेकिन बस चूके, बहुत ही अच्छा शॉट था ये, लेकिन टारगेट से मिस हुआ। यहाँ पे स्कोर नहीं मिला है आरडीवी जबलपुर की टीम को। एक अच्छे स्कूप पास का प्रयास था, लेकिन बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। पोजीशन फिर से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पास। अच्छी किक थी, लेकिन बॉल मैदान से बाहर गई है। एक 16 यार्ड हिट मिलेगी यहां पे बीएमयू छत्रपति संभाजी नगर के खिलाड़ी को।
अच्छा इंटरसेप्शन यहाँ पे जर्सी नंबर 7 कृष्णा की द्वारा, जो कि बीएमयू के कप्तान भी हैं। काफी अच्छे से बॉल को आगे बढ़ाते हुए, बहुत ही शानदार डिफेंस, अच्छा इंटरसेप्शन, एक अच्छा पास निकालने का प्रयास था, लेकिन एक डेंजरस प्ले बना था, इसलिए रेफरी की विसिल और बॉल पोजीशन वापस मिलेगा यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ी को। अच्छा पास, बॉल शूटिंग सर्कल के अंदर है यहाँ पे, लेकिन पैर से टच हुई है बॉल, जिसकी वजह से रेफरी ने विसिल की। यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर मिला है बीएमयू के खिलाड़ी को, दोनों ही टीमें अपनी पोजीशंस पे सेट, खिलाड़ी तैयार पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए। अच्छा मौका यहाँ पे, एक अच्छी किक, लेकिन बहुत ही अच्छी गोलकीपिंग और बॉल को बाहर भेजा। देखना होगा रेफरी ने क्या डिसीजन दिया है यहाँ पे। यहाँ एक पेनल्टी स्ट्रोक मिली है बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी को, एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है उनके लिए यहाँ पे एक गोल स्कोर करने का। जर्सी नंबर 8 के रूप में मोहित अपनी टीम के लिए ये पेनल्टी स्ट्रोक लेते हुए। गोलकीपर तैयार और ये गोल, मोहित ने अपनी टीम के लिए गोल स्कोर किया है। इसी के साथ इस मैच का स्कोर हो चुका है 1-0। पेनल्टी स्ट्रोक का पूरा फायदा उठाया यहां पे बीएमयू की टीम ने और इस मैच में एक बढ़त बना ली है। एक अच्छा स्कूप पास आता हुआ, बहुत ही अच्छे से उसको इंटरसेप्ट किया, रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन वापस जाएगा बीएमयू के पास। काफी अच्छी पासिंग यहाँ पे बाबा साहेब अंबेडकर की टीम की तरफ से, लेकिन बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। एक लॉन्ग कॉर्नर यहाँ पे मिलेगा बीएमयू के खिलाड़ियों को। काफी जल्दी इस मैच में बढ़त बनाने में सफल रही है यहाँ पे बीएमयू की टीम। अच्छा मौका यहाँ पे, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर बॉल थी, एक पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा दोबारा से यहां पे बीएएमयू के खिलाड़ियों को। काफी तेजी से अटैक करते हुए यहां पे बाबा साहिब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की टीम अपना डिफेंस सेट करते हुए यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम। प्लेयर तैयार, अच्छा शॉट, एक अच्छा प्रयास और ये दूसरा गोल। काफी शानदार शॉट देखने को मिला, एक बहुत ही ऑन टारगेट शॉट, एक स्ट्रॉन्ग शॉट जिसे हम कहेंगे, और इसी के साथ दूसरा गोल ताक दिया है यहां पे बी बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की टीम ने, बीएएमयू छत्रपति संभाजी नगर की टीम ने। पहले ही क्वार्टर में अब तक 2-0 की बढ़त बनाने में सफल रही है यहां पे बीएएमयू की टीम। पोजीशन दोबारा से बीएएमयू के पास, यहाँ पे रेफरी की विसिल, पोजीशन मिलेगा
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। यहाँ पे एक डेंजरस प्ले बन गया था जिसकी वजह से विसिल की रेफरी ने, बॉल पोजीशन मिलेगा यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ी को। ये एक फ्री हिट है, स्कूप पास को लेकिन अच्छे से इंटरसेप्ट किया यहां पे पोजीशन आरडीवी की टीम के पास। जैसे नंबर 14 के रूप में साहिल बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, एक अच्छा प्रयास यहां पे लेकिन काफी अच्छी गोलकीपिंग। एक लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। बहुत ही शानदार गोलकीपिंग थी यहां पे बीएमयू के गोलकीपर की तरफ से, काफी अच्छा डिफेंस। बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहां पे बाबा साहिब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की टीम, लेकिन उनको रोका यहां पे रेफरी की विसिल। पोजीशन वापस से जाएगा जबलपुर की टीम के पास। नवीन ने पास दिया है अपने टीममेट को, काफी अच्छा पास यहां पे रेफरी की विसिल। बॉल पोजीशन वापस से बीएमयू के पास, लेकिन दोबारा से विसिल, इस बार पोजीशन मिलेगा जबलपुर की टीम को। और इसी के साथ पहला क्वार्टर समाप्त होता हुआ, पहले क्वार्टर की समाप्ति पे स्कोर है बाबा साहिब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर की जो टीम है उनके 2 गोल और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की टीम का 0। 2 मिनट के इस छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा से इस मैच को चालू करेंगे और आप लाइव एक्शन देख सकते हैं FGSN के साथ। दोबारा से मैच चालू होता हुआ, दूसरा क्वार्टर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। काफी तेजी से बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ी, रेफरी की विसिल, एक फाउल हुआ है यहाँ पे। पोजीशन वापस से बीएमयू के पास, अच्छा मौका था लेकिन बॉल काफी ऑफ टारगेट। पहले ही क्वार्टर में काफी अच्छी बढ़त बना ली यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ी ने, बीएमयू की टीम ने। अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे दोबारा से, और ये एक पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा बीएमयू की टीम को। एक और अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे एक और गोल स्कोर करने का बाबा साहिब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की टीम के पास। अपना डिफेंस सेट करते हुए यहाँ पे जबलपुर के खिलाड़ी अपनी ऑफेंसिव पोजीशन ले ली है यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ियों ने। ये पेनल्टी कॉर्नर का पास अंदर आता हुआ, एक अच्छा मूव और एक और गोल। ये तीसरा गोल स्कोर करने में सफल रही यहाँ पे
बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की टीम। बहुत ही शानदार प्ले था ये, काफी अच्छी पासिंग, रेफरी को छकाया, माफ कीजिएगा गोलकीपर को छकाया और उसी के साथ तीसरा गोल स्कोर करने में सफल रहे यहाँ पे। काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे, बॉल वापस से पोजीशन में ले ली है यहाँ पे बीएमयू की टीम ने, तेजी से बॉल को आगे बढ़ाते हुए। जर्सी नंबर 5 में गणेश, जिन्होंने पास दिया अपनी टीम के कप्तान कृष्णा को जो कि जर्सी नंबर 7 में खेल रहे हैं। एक अच्छा ग्राउंडेड पास लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया यहाँ पे, यहाँ पे एक रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन वापस जाएगा जबलपुर की टीम के पास। लगातार हमले कर रही है यहाँ पे बीएमयू की टीम और अब तक 3 गोल दागने में सफल भी रही है, एक अच्छी बढ़त बना ली है उन्होंने इस मैच में। एक डेंजरस प्ले था ये जिसको रेफरी ने अपनी विसिल के थ्रू इंडिकेट किया, बॉल पोजीशन वापस है बीएमयू के पास, काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए ऑफेंस पे, बॉल मैदान से बाहर गई है, रेफरी ने एक लॉन्ग कॉर्नर का इशारा किया है यहाँ पे। कृष्णा के पास बॉल, अच्छा पास, प्लेयर के पैर से बॉल टच हुई है अटैकिंग प्लेयर के, इसलिए बॉल वापस से मिली है आरडीवी की टीम को। काफी शानदार पास निकाला यहाँ पे, एक अच्छा अटैक बन सकता है यहाँ पे जबलपुर की टीम के लिए। रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन अभी भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम के पास। अच्छा अटैक बनता हुआ लेकिन उससे भी बेहतर डिफेंस यहाँ पे, बॉल पोजीशन को रिगेन किया यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ियों ने, काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए। जर्सी नंबर 8 में मोहित अपनी टीम के लिए बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, एक अच्छा पास निकाला उन्होंने लेकिन बॉल मैदान से बाहर जा चुकी है और 16 यार्ड हिट मिलेगी यहाँ पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। एक अच्छा स्कूप पास देने का प्रयास था यहाँ पे लेकिन बॉल को इंटरसेप्ट किया बीएमयू के खिलाड़ी ने। अच्छी पासिंग, एक और मौका बन सकता है यहाँ पे लेकिन रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन वापस जाएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम के पास। एक अच्छा स्कूप पास निकालने का प्रयास था लेकिन काफी साधारण सा शॉट लेकिन रेफरी की विसिल, पोजीशन अभी भी आरडीवी की टीम के पास। एक अच्छा स्कूप पास निकाला है यहाँ पे लेकिन उसको कलेक्ट करने में असफल रहे खिलाड़ी। बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ी लेकिन एक मिस हिट हुई यहाँ पे, बॉल वापस से आरडीवी की टीम के पास, एक डेंजरस प्ले बनता हुआ जिसकी वजह से रेफरी ने विसिल करके इंडिकेट किया और बॉल पोजीशन वापस बीएमयू के पास। अब तक इस मैच में पूरी तरीके से हावी रही है बीएमयू की टीम। मौका बनता हुआ यहाँ पे अटैक पे लेकिन यहाँ पे रेफरी ने एक विसिल के द्वारा इंडिकेट किया कि एक डेंजरस प्ले बना था और बॉल पोजीशन वापस बीएमयू के पास। काफी तेजी से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी अपनी टीम के लिए करण, बहुत ही शानदार फुटवर्क और स्किल्स लेकिन उससे बेहतर डिफेंस देखने को मिला हमें लेकिन इस बॉल को कोई भी रिसीव नहीं कर पाया, बॉल मैदान से बाहर जाते हुए पोजीशन वापस जाएगा बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पास।
यहाँ एक और विसिल रेफरी की तरफ से, बॉल पोजीशन अभी भी बीएमयू के पास। अच्छा इंटरसेप्शन, बॉल दोबारा से शूटिंग सर्किल के अंदर, यहां पर रेफरी की विसिल और बॉल पोजीशन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को मिलेगा। अब एक अच्छा स्कूप पास, लेकिन उसको कट किया, इंटरसेप्ट किया, बॉल पोजीशन वापस रिगेन किया बीएमयू की टीम ने। काफी अच्छा मैच हमें देखने को मिल रहा है ये। एक अच्छा पास निकालने का प्रयास था, लेकिन किसी ने भी उसको कलेक्ट नहीं किया, बॉल सीधा मैदान से बाहर जाती हुई। एक 16 यार्ड हिट मिलेगी यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी को। अच्छी पासिंग यहाँ पे, अच्छा शॉट, लेकिन उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाई गोल की तरफ, बॉल मैदान से बाहर गई है। देखना होगा रेफरी के जजमेंट को। पासिंग, काफी छोटे छोटे पास निकालते हुए आपस में बीएमयू के खिलाड़ी। रेफरी की एक और विसिल, पोजीशन अभी भी बीएमयू के पास। काफी अच्छा डिफेंस, बॉल पोजीशन को रिगेन किया यहां पे, अच्छा स्कूप पास निकाला। पोजीशन अभी भी जबलपुर के खिलाड़ियों के पास, अच्छा ग्राउंडेड पास, काफी तेजी से अटैक पे आगे बढ़ते हुए, लेकिन बहुत ही शानदार डिफेंस। अच्छी पासिंग, लेकिन उससे बेहतर इंटरसेप्शन यहां पे। जर्सी नंबर 10 सत्यम अपनी टीम के लिए बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, बहुत ही अच्छा इंटरसेप्शन यहां पे बीएमयू के खिलाड़ी की तरफ से। बहुत ही शानदार मूव, लेकिन बॉल को स्टील करने में सफल रहे थे यहां पे बीएमयू के खिलाड़ी, बॉल को आगे बढ़ाते हुए। काफी अच्छा मौका यहां पे बीएमयू के पास, लेकिन बॉल को क्लियर किया यहां पे, बॉल मैदान से बाहर गई है। प्रदर्शन अभी भी बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पास। अटैक को सेट करने का प्रयास रहेगा यहां पे बीएमयू के खिलाड़ियों का। अच्छा मौका बन सकता है यहां पे, लेकिन उससे बेहतर डिफेंस कृष्णा जो कि टीम के कप्तान है उनके पास बॉल, उन्होंने नवीन को पास निकाला है। यहां पे विसिल रेफरी की तरफ से, पोजीशन अभी भी बीएमयू की टीम के हक में। अच्छे मूव्स यहाँ पे, लेकिन डिफेंस के थ्रू बॉल को पोजीशन में लिया यहाँ पे आरडीवी की टीम ने।
एक 16 यार्ड हिट मिलेगी यहाँ पे बीएमयू के खिलाड़ी को, क्योंकि बॉल बैक लाइन से बाहर गई थी। काफी अच्छा डिफेंस यहाँ पे। बॉल यहाँ जो डिफेंसिव खिलाड़ी था उसके पैर से टच हुई थी, जिसकी वजह से एक फ्री हिट मिलेगी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के खिलाड़ी को। टीममेट को अच्छा बॉल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। शानदार बॉल कंट्रोल, बहुत ही बढ़िया प्रयास यहां पे दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। अच्छा डिफेंस पोजीशन को रिगेन किया यहां पे आरडीवी की टीम ने। बॉल मैदान से बाहर जाती हुई, पोजीशन अभी भी जबलपुर के पास। ये बॉल शूटिंग सर्कल के बाहर से हिट की गई थी, इसलिए कोई गोल नहीं है। इसी के साथ सेकेंड क्वार्टर समाप्त होता हुआ, हाफ टाइम पे जाते हुए स्कोर है बीएएमयू 3 गोल और आरडीवी जबलपुर 0। 5 मिनट के हाफ टाइम ब्रेक के बाद हम इस मैच में दोबारा से लौटेंगे। लाइव एक्शन देखने के लिए बने रहिए एफजीएसएन के साथ।
दोनों ही टीमें मैदान में अपनी पोजीशन सेट करते हुए। और रेफरी की विसिल के साथ ये मैच स्टार्ट होता हुआ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन यहां पे, एक विसिल रेफरी के द्वारा। पोजीशन अभी भी आरडीवी की हक में, अच्छा मौका बनता हुआ उनके लिए, लेकिन रेफरी की विसिल, एक डेंजरस प्ले था जिसकी वजह से बॉल पोजीशन वापस मिला है बीएएमयू की टीम को। यहां पे एक फ्री हिट है बीएएमयू के पास, अच्छा ग्राउंडेड पास निकालने का प्रयास था लेकिन बॉल सीधा मैदान से बाहर गई है। एक 16 यार्ड हिट मिलेगी यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के टीम के खिलाड़ी को। यहां एक विसिल रेफरी के द्वारा एक स्कूप पास निकालने का प्रयास यहां पे, लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया, अच्छा ग्राउंडेड पास। बॉल पोजीशन अभी भी बीएमयू के पास, शूटिंग सर्कल के अंदर बॉल, बॉल को तेजी से आगे लेके बढ़ते हो यहां पे रानी दुर्गावती की टीम के खिलाड़ी, अच्छा मौका बन सकता है उनका अटैक पे, एक अच्छा प्रयास था ये लेकिन काफी शानदार गोलकीपिंग, काफी अच्छा शॉट था लेकिन गोलकीपर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया यहां और गोल होने से बचाया अपनी टीम के लिए। काफी अच्छा पास निकालने का प्रयास था लेकिन उसको कलेक्ट करने में सफल रहे खिलाड़ी, पोजीशन वापस आरडीवी के पास, लेकिन बहुत ही साधारण सा शॉट ये, बॉल पोजीशन अभी भी बीएमयू के पास था लेकिन रेफरी की विसिल, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्ले था जिसकी वजह से बॉल वापस मिली है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को, लेकिन उसको अच्छे से इंटरसेप्ट किया यहां पे, लेकिन उससे बेहतर इंटरसेप्शन हमें दोबारा से देखने को मिला। बॉल मैदान से बाहर जाती हुई, पोजीशन बीएएमयू की टीम के पास, बॉल पोजीशन अब आरडीवी जबलपुर के हक में, रिसेप्शन यहां पे, रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन इस बार मिला है आरडीवी जबलपुर को। अच्छा मौका बन सकता है यहां पे अटैक के लिए, बॉल शूटिंग सर्कल के अंदर, लेकिन काफी शानदार डिफेंस, अच्छा पास, अच्छा कलेक्शन। रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन बीएमयू के पास, अच्छा डिफेंस यहां पे जबलपुर के खिलाड़ी की तरफ से, कृष्णा जो कि कप्तान है उनका एक अगेंस्ट एक फाउल दिया, बॉल पोजीशन अभी भी जबलपुर की टीम के पास, बॉल सीधा मैदान से बाहर जाती हुई, एक 16 यार्ड हिट मिलेगी यहां पे बीएएमयू की टीम को। ग्राउंडेड पास, उसको कलेक्ट किया, मोहित बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, अच्छा डिफेंस था लेकिन रेफरी ने विसिल बजा के फाउल इंडिकेट किया है, फ्री हिट यहां पे, अच्छा पास निकाला बॉल शूटिंग सर्कल के अंदर और एक पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा यहां पे बीएएमयू की टीम को। अच्छा मौका हो सकता है ये अपनी बढ़त को और बढ़ाने का यहां पे,
बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के पास। देखना होगा क्या वो गोल करने में सफल रहेंगे इस मौके पर। दोनों ही टीमें सेट, खिलाड़ी शॉट लेने के लिए सेट। पास अंदर आता हुआ, एक अच्छी किक लेकिन बॉल बैक लाइन से बाहर जाती हुई। काफी अच्छी पासिंग। वो अपनी टीम के कप्तान हैं आरडीबी जबलपुर के। ये एक पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की टीम को। एक अच्छा मौका हो सकता है उनके लिए यहां पे अपना इस मैच में पहला गोल स्कोर करने का। दोनों ही टीम से अपनी पोजीशन ले ली है। एक अच्छा शॉट लेकिन उसको डिफ्लेक्ट किया, लेकिन दोबारा से पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। दोबारा से दोनों टीम्स ने अपनी पोजीशन ले ली है। मैदान में खिलाड़ी तैयार। एक अच्छा पास, एक ग्राउंडेड शॉट लेकिन बहुत ही शानदार गोलकीपिंग, बहुत ही बढ़िया गोलकीपिंग अपनी टीम के खिलाफ। एक भी गोल स्कोर नहीं करने दे रहे हैं ओमकार जो कि गोलकीपर हैं बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के। एक अच्छा स्कूप पास लेकिन बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। अच्छा मौका बन सकता था यहां पे लेकिन बॉल को डिफ्लेक्ट किया। बॉल को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम के लिए करण, 10 नंबर जर्सी में जो खेल रहे हैं बीएमयू की टीम के लिए। यहां पे रेफरी की विसिल, पोजीशन आरडीवी जबलपुर के पास। एक अच्छा पास निकालने का प्रयास था लेकिन उसको कोई कलेक्ट कर नहीं पाया। एक स्कूप पास निकाला यहां पे। अच्छा अटैक यहां पे सेट करने का प्रयास रहेगा बीएमयू के खिलाड़ियों का। काफी अच्छा ग्राउंडेड पास, बॉल को अच्छे से आगे लेके बढ़ते हुए यहां पे आरडीबी जबलपुर के खिलाड़ी। क्या एक मौका बन सकता है आरडीबी जबलपुर की टीम के लिए। जर्सी नंबर 15 में नीरज अपनी टीम के लिए बॉल को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने पास दिया जर्सी नंबर 12 में जावेद को। उन्होंने एक ग्राउंडेड पास निकालने का प्रयास किया था लेकिन कोई भी उनका टीममेट नहीं था वहां उस बॉल को कलेक्ट करने के लिए। बॉल सीधा मैदान से बाहर जाती हुई। बॉल पोजीशन बीएएमयू टीम के हक में। यहां एक स्कूप पास निकाला है।
अच्छी ग्राउंडेड किक, ग्राउंडेड शॉट था ये। अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पे, और इसी के साथ एक और पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। दोनों ही टीम्स ने अपनी पोजीशन ले ली है, खिलाड़ी तैयार पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए। एक अच्छा पास निकाला यहां पे, अच्छा शॉट लेकिन बहुत ही बेहतरीन गोलकीपिंग। पीएमयू के गोलकीपर की तरफ से हमें इस पूरे ही मैच में काफी शानदार गोलकीपिंग देखने को मिली है। काफी तेजी से अटैक पे बढ़ते हुए यहां पे बीएमयू के खिलाड़ी। अच्छा मौका बन सकता है उनके लिए, लेकिन बॉल पोजीशन वापस जाता हुआ जबलपुर की टीम के पास। अ डेंजरस प्ले हियर, बॉल पोजीशन वापस से बीएमयू की टीम के पास। काफी तेजी से बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए यहां पे जबलपुर के खिलाड़ी, लेकिन बॉल को कोई भी प्लेयर कलेक्ट नहीं कर पाया, सीधा बॉल मैदान से बाहर गई। पोजेशन अभी भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम के पास। एक अच्छा मौका बनता हुआ आरडीबी की टीम के लिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गोलकीपिंग दोबारा से, काफी शानदार गोलकीपिंग हमें अब तक देखने को मिली है बीएमयू के गोलकीपर की तरफ से। बॉल पोजीशन बीएमयू के पास, काफी तेज पास निकाला यहां पे, लेकिन उस बॉल को कलेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। बॉल पोजीशन वापस से आरडीवी जबलपुर के पास, एक 16 यार्ड हिट मिलेगी यहां पे। यहां पे रेफरी ने ग्रीन कार्ड दिखाया है जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी को, जो कि 2 मिनट के लिए इस खेल से बाहर जाएंगे इस गेम से। क्या इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगी यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम। बॉल मैदान से बाहर जाती हुई, बहुत ही साधारण सा पास है जिसको आसानी से इंटरसेप्ट किया यहां पे, और इसी के साथ तीसरा क्वार्टर समाप्त होता हुआ। तीसरे क्वार्टर के बाद स्कोर है बाबा साहिब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी 3 गोल और
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 0। सिर्फ चौथे क्वार्टर का 15 मिनट का खेल शेष है, देखना होगा क्या किसी भी प्रकार से आरडीवी जबलपुर इस गेम में अपनी वापसी कर पाएगी या फिर जिस तरीके से मैच अब तक चला है उसी तरीके से चलते हुए बीएमयू की एक आसान जीत होगी। दोनों ही टीमें मैदान में वापस, चौथे क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ। अब तक बीएमयू की टीम ने एक अच्छी बढ़त बनाई हुई है इस मैच में, 3-0 से आगे हैं वो। बॉल पोजीशन अभी भी बीएमयू के पास, यहां पर रेफरी के द्वारा एक विसिल, पोजीशन वापस मिला है जबलपुर के खिलाड़ी को। एक अच्छा ग्राउंडेड पास निकालने का प्रयास था लेकिन बॉल सीधा मैदान से बाहर, 16 यार्ड हिट मिलेगी यहां पे। मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो व्हाइट किट में टीम खेल रही है वो है बीएएमयू और जो कि ब्लू किट में टीम है वो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। अच्छी पासिंग लेकिन बॉल इंटरसेप्ट हुई यहां पे, पोजीशन आरडीवी की टीम के पास, काफी अच्छे से आगे लेके बढ़ते हुए बॉल को अच्छा मौका बन सकता है यहाँ, एक अच्छा शॉट लेकिन बिल्कुल ऑफ टारगेट शॉट था ये। बॉल पोजीशन वापस से जाएगा बीएएमयू के पास एक 16 यार्ड हिट के लिए। एक अच्छा स्कूप पास दिया था यहाँ पे, क्या ये मौका बन सकता है यहाँ पे अटैक का, काफी अच्छा बॉल कंट्रोल, जर्सी नंबर 8 में मोहित, रेफरी की विसिल, पोजीशन अभी भी बीएमयू की टीम के पास। एक डेंजरस प्ले यहाँ पे जिसकी वजह से बॉल पोजीशन मिला है अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को, स्कूप पास निकाला है, अच्छा कलेक्शन, काफी शानदार प्रयास यहाँ पे, रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन वापस से मिलेगा बीएएमयू की टीम को। एक अच्छा स्कूप पास यहाँ पे लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया, एक और मौका बन सकता है यहां पे बीएएमयू की टीम के लिए। उन्होंने पास निकाला है अपने टीममेट को पवन को, पवन ने वापस मोहित को पास निकाला, करण ने बॉल दी है मोहित को, यहाँ पे एक विसिल रेफरी की तरफ से, बॉल शूटिंग सर्किल के अंदर लेकिन रेफरी का
एक इंडिकेट किया रेफरी ने फाउल, जिसकी वजह से पोजीशन वापस जाता हुआ जबलपुर की टीम के पास। बॉल पोजीशन अभी भी आरडीवी जबलपुर की टीम के पास। एक अच्छा मौका बन सकता था यहां, लेकिन उस बॉल को डिफ्लेक्ट करने में असफल रहे जबलपुर की टीम के खिलाड़ी। बॉल सीधा मैदान से बाहर गई। अच्छी पासिंग यहां पे, मौका बनता हुआ एक, लेकिन अच्छी गोलकीपिंग और बॉल मैदान से बाहर जाती हुई। एक 16 यार्ड हिट मिलेगी यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। इस मैच का चौथा और आखिरी क्वार्टर चलता हुआ। अच्छा डिफेंस, बॉल को वापस से अपने अटैक पे लेके आते हुए यहां पे बीएमयू के खिलाड़ी मोहित जर्सी नंबर 8 में खेलते हुए। एक अच्छा पास निकाला, अच्छा मौका बन सकता है यहां पे अटैक का। अच्छा शॉट और एक और गोल, चौथा गोल, बहुत ही शानदार शॉट ये, जिसके साथ चौथा गोल दाग दिया है यहां पे बीएएमयू की टीम ने और अपनी बढ़त को 4-0 कर लिया है इस मैच में। रेफरी की एक विसिल, बॉल पोजीशन जबलपुर की टीम के पास। एक लॉफ्टेड पास यहां पे, लगता है एक खिलाड़ी के चोट लगी है मैदान में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम के खिलाड़ी, रेफरी उनको अटेंड करते हुए। एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। एक अच्छा मौका है उनके पास अपना खाता खोलने के लिए इस मैच में, देखना होगा क्या किसी भी तरीके से वो सफल हो पाएंगे। डिफेंस करते हुए एक प्लेयर चोटिल हुए हैं यहां पे। बीएमयू के खिलाड़ी के ऐसा लगता है कि चोट लगी है, बाकी उनके टीममेट्स उनको अटेंड करते हुए। यहां पे एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। दोबारा उनके पास मौका है, पास आता हुआ, काफी अच्छी हिट थी लेकिन बिल्कुल ऑफ टारगेट। अभी भी स्कोर 4-0। एक अच्छा स्कूप पास निकाला था यहां पे लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया। बॉल पोजीशन जबलपुर के पास। एक डेंजरस प्ले था ये, जिसकी वजह से रेफरी ने विसिल करके इंडिकेट किया कि बॉल पोजीशन अब मिलेगा बीएमयू के हक में। काफी अच्छा कलेक्शन था, रेफरी की विसिल, बॉल पोजीशन अभी भी बीएमयू की टीम के पास।
मोहित बॉल को आगे बढ़ाते हुए, एक और मौका बनता हुआ यहां पे अटैक के लिए, लेकिन काफी अच्छा डिफेंस। पवन के पास बॉल, पूरी कोशिश रहेगी उनकी अपनी टीम के लिए एक अच्छा अटैक सेट करें। एक अच्छा पास निकाला उन्होंने जर्सी नंबर 5 में गणेश को, गणेश ने वापस पास किया नवीन को, मौका बनता हुआ यहां पे अटैक के लिए, अच्छी पासिंग लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया, लेकिन एक और शॉट था जो कि बिल्कुल ऑफ टारगेट रहा। बॉल वापस मिलेगी आरडीवी जबलपुर की टीम को यहां पे 16-yard हिट के लिए। बॉल सीधा मैदान से बाहर, प्रदर्शन जाएगा बीएमयू के हक में। अब ऐसा लग रहा है कि बचा हुआ समय महज एक औपचारिकता रह गई है इस मैच में, क्योंकि देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि 4-0 की जो बढ़त है वो एक अजय बढ़त बन चुकी है। मौका बनता हुआ यहां पे, अच्छी पासिंग, एक अच्छी किक, लेकिन बहुत ही शानदार गोल कीपिंग, लेकिन पहला गोल स्कोर करने में यहां पे सफल रही। मैं बोल ही रहा था कि क्या कोई तरीका है कमबैक करने का, उसी बीच पहला गोल स्कोर किया है यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की टीम ने। इस समय पर स्कोर है 4 goals बीएमयू और 1 goal रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। बीएमयू वापस आती हुई अटैक पर, मौका बना रहे हैं वो अपने लिए, बोल सकते हैं वापस से जो बढ़त है वो 4 goals की हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 5 goals बीएमयू और 1 goal रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। बीएमयू की टीम इस मैच में बिल्कुल साबित हुई है कि एक बेहतर टीम है और पूरी तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है अपने ओपोनेंट्स को। एक और बार अपना अटैक सेट करते हुए मोहित के पास बॉल, मोहित ने पास निकाला पवन को, अच्छा पास लेकिन मोहित बॉल को कंट्रोल में नहीं ले पाए। अच्छा ग्राउंडेड पास यहां पे, मौका बन सकता है यहां पे आरडीवी की टीम के लिए, लेकिन शानदार गोल कीपिंग यहां पे, अभी भी मौका है लेकिन अच्छा डिफेंस, लेकिन इसी के साथ एक पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा यहां पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को। ओमकार ने बहुत ही शानदार गोल कीपिंग की है बीएमयू की टीम के लिए इस मैच में। पेनल्टी कॉर्नर के लिए तैयार, लेकिन पास कलेक्ट नहीं कर पाए। एक अच्छा मौका था जो गवा दिया यहां पे, बॉल अभी भी है लेकिन आरडीवी के पोजेशन में, बहुत ही आसान सा मौका था लेकिन मिस किया यहां पे। काफी अच्छा मौका मिल रहा था दोबारा से ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम को, लेकिन उसको भुना नहीं पाए।
दोबारा से अटैक सेट होता हुआ यहाँ पे, अच्छा मौका है, लेकिन बॉल जो है वो ऑफेंस के प्लेयर के, अटैकिंग प्लेयर के पैर पे टच हुई, जिसकी वजह से पोजेशन जाता हुआ जबलपुर की टीम के हक में। बहुत ही शानदार हॉकी देखने को मिली हमें इस मैच में बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों की तरफ से। पूरी तरीके से अपने सामने वाली टीम के उस चीज को साफ साफ दिखा भी रहा है। और इसी के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ, मैच की समाप्ति पर स्कोर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी 5 गोल और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1 गोल। एक अच्छी बढ़त से BAMU ने इस मैच को जीत लिया है। आप लाइव एक्शन देख पा रहे हैं वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप का USAI और FGSN के साथ। कुछ ही देर में जो आज के दिन का चौथा मैच है, जो कि है होम टीम जो है RNTU भोपाल